हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बनाना पैनकेक रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इंस्टेंट बनकर ये तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें क्रिसमस में या फिर जब चाहें तब खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बनाना, ये पका हुआ केला है, आप एक से दो भी ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फोक से अच्छी तरह से इसे मैश कर ले रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप ऑयल। स्वीटनेस के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप मिल्क मेड। आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालने से बहुत ही फ्लफी बनेगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी डाल सकते हैं। सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। ये बहुत ही हेल्दी पैनकेक है, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया हमने। अब अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर चॉकलेट ही बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिए 2 से 3 चम्मच चॉकलेट पाउडर। तो ये कैडबरी का बहुत ही टेस्टी वाला जो हॉट चॉकलेट का पाउडर होता है वो लिया है मैंने। आप कोई भी डार्क चॉकलेट पाउडर ले सकते हैं। इन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो इसको हम अच्छी तरह से बैटर बनाने के लिए मिल्क इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 कप के लगभग मिल्क लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मिल्क ऐड करते जाएं और इसका एक बहुत ही स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हम केक के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड करते जाएं और इसे अच्छी तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल लम्स फ्री बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें थिन नहीं रखना है, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन लिया है। हल्का सा हम इसमें ऑयल लगा देंगे, आप बटर भी लगा सकते हैं। आप कोई भी एक करछी ले लें या फिर आप कोई भी स्पून ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमें इसे स्प्रेड नहीं करना है, बस आप इस तरह से इसे छोड़ दें, ये अपने आप ही फैल जाएगा। और बस इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो 1 साइड से 2 मिनट और दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट ही लगेगा। तो 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये नीचे तरफ से पक चुका है। हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से हम टर्न कर लेंगे। ये बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। तो हम इसे फिर से कवर कर देते हैं। लगभग 5 मिनट लगा है इसको बनने में, तो ये अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी पैनकेक को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे पैनकेक बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉकलेट सिरप अच्छी तरह से गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो इसे आइसक्रीम से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इन्हें खाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो आप अपने मन अनुसार जैसा चाहें वैसा आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ अच्छा दिखने के लिए। आप जैसा चाहे वैसा इन्हें सजा सकते हैं। तो सभी तरफ अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाना भी लगा रहे हैं गार्निशिंग के लिए। तो जैसा चाहे वैसा आप इन्हें गार्निश कर सकते हैं। इसके ऊपर आप स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं। एक चेरी भी हमने लगा दिया है, थोड़े से टूटी फ्रूटी भी लगा देते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी बनाना पैनकेक। आई होप कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।